मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जी हां, आज हमारे साथ एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद हैं जो कभी पंखों की मोहताज नहीं रही हैं, जिन्होंने अपने हौसलों से एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो शायद करोड़ों में किसी एक को होता है। हमारे साथ दीपा मलिक जी हैं, जिन्होंने पैरा ओलंपिक्स में सिल्वर मेडल जीता है और इसी के साथ वो पहली भारतीय महिला भी बनी है। दीपा जी, बहुत स्वागत वन इंडिया न्यूज़ पर। पाँच साल की वो उम्र जब बीमारी से ग्रसित थी और आज ये मुकाम जहाँ करोड़ों युवा आपको प्रेरणा स्रोत मानते हैं, प्राउड फील होता है? बहुत अच्छा लगता है कि जीवन पहली बार अपंगता से ग्रस्त हुआ जब मैं 5 वर्ष की थी। 3 वर्ष लगे मुझे दोबारा ऑपरेशन होने के बाद चलने में, फिर कुछ वर्ष मैंने चल के देखे और बहुत अच्छी ज़िंदगी थी चलने वाली, जो कि 29 ईयर्स की एज में दोबारा ट्यूमर्स आने लगे। मेरी दोनों बेटियाँ हो चुकी थी और अब मैं बहुत ज़्यादा आउटडोर से प्यार भी करने लगी थी। मैं बाइकिंग करने लगी थी, कार चलाने लगी थी और आउटडोर के बहुत सारे शौक़ अपना चुकी थी, ब्यूटी क्वीन बन चुकी थी। और एक शरीर से जब आप इतना कुछ कर रहे हो और अचानक आपको डॉक्टर्स ये बता दें कि आपका छाती का निचला हिस्सा अब जाता रहेगा उम्र भर के लिए, लोगों ने भी सोचा था कि बस इसके बाद अब इसका जीवन ख़त्म है, अब इसका क्या होगा। लेकिन आप देखिए, आज मैं अपना 46वां जन्मदिन मना रही हूँ और बिल्कुल एक स्पोर्ट्स स्टेडियम में, हॉस्टल में बना रही हूँ। और ये जन्मदिन की खुशी आज प्रेसिडेंट भवन में बनेगी, क्योंकि हम सारे पैरालंपिक मेडलिस्ट वहाँ इनवाइटेड हैं। तो अगर मैं ये देखूँ कि ज़िंदगी कहाँ थी, और एक सकारात्मक सोच, एक मेहनत, एक परिवार का साथ, एक दोस्तों का साथ और अपनी हिम्मत एक इंसान को कहाँ से कहाँ ले आती है। मैम, अगर हम पूरे आपके जीवन की बात करें, आप 5 साल से जो अभी आपने बताया कि ऐसा कुछ हुआ है, लेकिन देश के अंदर ऐसे बहुत से युवा हैं जो आपसे प्रेरणा लेते हैं, उन युवाओं को भी अब आगे आना चाहिए और भारत के अंदर ऐसे बहुत से युवा प्रतिभाएं हैं जिनको इस मुकाम तक पहुंचना चाहिए, उन लोगों के लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? उनको यही कहना चाहूँगी कि हम लोग अपने जीवन से एक प्रेरणा स्रोत बन के आगे आ रहे हैं। मैं ही नहीं, और बहुत पैरालंपिक में और भी हीरोज़ हैं जिन्होंने मेडल लिए हैं। और अगर हम लोग इतनी अपंगता में अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं, हम कुछ कर सकते हैं, देश के लिए मेडल ला सकते हैं, तो आई थिंक सिर्फ एक जज्बा रखने की, एक सपना बुनने की और हिम्मत रखने की, मेहनत के साथ उस सपने को पूरा करने की ज़रूरत है। और अगर एक मेरी जैसी महिला कर सकती है तो कोई भी कर सकता है। मैम, 2006 से 2008 के बीच आपने स्विमिंग की, उसके बाद आप एथलेटिक्स में आ गई हैं, क्या कारण रहा उसको छोड़ने का? कारण ये रहा कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस थे, कुछ ठंडे पानी के स्विमिंग पूल में में तैर पाना मेरे लिए बहुत कठिन था। मेरी बॉडी बहुत जल्दी सुन पड़ जाती है, रक्तचाप इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि मसल कंट्रोल नहीं है, स्पास्टिक पैरालिसिस है। तो मुझे चुनना पड़ा, या तो खेलों में जीना है तो मुझे एक नया टैलेंट अपनाना पड़ेगा। तो आप मानेंगे नहीं कि 39 ईयर्स की एज में मैंने एथलेटिक्स में अपना रुख किया और 42 ईयर्स की एज में मैं अर्जुन अवार्डी हो चुकी थी। तो मन में ठान लें और सीखने का जज्बा रखें। लोग क्या सीखते नहीं हैं, नई चीज़ को सीखना नहीं चाहते। जितना आप सीखेंगे उतने आपके सामने रास्ते खुलेंगे। आपने ये पिछले, हमने कुछ समय पहले सुना था कि आपकी बेटी को भी इस तरह की प्रॉब्लम हो गई थी बीच में, तो ये एक परिवार, जैसे आपका आर्मी बैकग्राउंड भी है, तो क्या प्रेरणा ये आर्मी बैकग्राउंड से मिलती है कि खुद भी इस मुसीबत से निकले, बेटी को भी निकाला और इस मुकाम तक पहुँचे? और बेटी भी बहुत बढ़िया कर रही है, ऐसा नहीं है कि बेटी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ मेडल जीत चुकी है और अब स्कॉलरशिप स्टूडेंट बनकर इंग्लैंड जा रही है, यूके की टॉप यूनिवर्सिटी से डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में पीएचडी करने के लिए। वो भी अपना योगदान इसी क्षेत्र में देना चाह रहे हैं। तो कोशिश यही रहती है कि जो सीख हमने हमारे माँ बाप से ली, फौजी बैकग्राउंड से जो हमें मिला, हिम्मत रखो और एक जज्बा रखो, देश को वापस कुछ करके देने की ठान के रखो। तो आई थिंक एक जो, और फौजी का एक डिसिप्लिन होता है, फौजी को मुसीबत झेलने की एक आदत होती है, कोई भी सर्कमस्टांसेस हो एक ड्यूटी की तरफ आपका एक नज़र होती है। तो आई थिंक वही एक जज्बा मेरे अंदर आया और वो सारी जो चीज़ें फौज के माहौल में सीखी वो कहीं ना कहीं जीवन में अपनाई, अपने जीवन में भी अपनाई और उदाहरण बनकर अपनी बेटी को भी सिखाया। तो आज देखिए कहीं भी कोई ऐसी तकलीफ की बात नहीं है। दो छोटे छोटे सवाल और पूछूंगा। एक तो आपके यहाँ तक पहुँचने का सफ़र क्या मूल मंत्र रहा है जो इतनी बीमारियों के बाद, इतनी मुश्किलों के बाद आप यहाँ पहुँचे हैं,
और इसके साथ साथ क्या संदेश उन लोगों को देना चाहेंगे जो अभी ओलंपिक्स में गए थे, जो खिलाड़ी कुछ खिलाड़ी पर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए हैं, उनको क्या संदेश? आई थिंक संदेश यही देना चाहूँगी, सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देना चाहूँगी, क्योंकि जो भी खिलाड़ी अगर ओलंपिक लेवल तक पहुँचा है तो कहीं ना कहीं उसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, बहुत ज़्यादा हिम्मत है, बहुत ज़्यादा जज्बा है, क्योंकि ओलंपिक लेवल या पैरालंपिक लेवल में क्वालिफाई करके पहुँचना भी बहुत बड़ी बात है। तो कहने का अर्थ यही है कि ज़रूर अपना जज्बा बनाए रखिए, मेहनत करिए, और मेडल बनने में और ना बनने में एक वो लास्ट का जो फोकस होता है, आई थिंक एक वो टैलेंट बहुत था, हुनर भी बहुत था, लेकिन जो मेडल मिस हुए हैं उसमें शायद वो लास्ट का जो मेहनत होती है, एक फोकस जिसे हम कहते हैं या कंपटीशन का प्रेशर जो कहते हैं, अगर उससे हम आराम से झेल लें तो शायद हमारी परफॉर्मेंस मेडल में तब्दील हो जाए, पहली चीज़। दूसरी चीज़, प्रेरणा तो मैं क्या दूंगी, क्योंकि मैं ही रोज़ सबसे प्रेरणा लेती हूँ, और मेरी कोशिश ये रहती है, जो मूल मंत्र मेरा है, खुश रहूँ, सकारात्मक सोच रखूँ, अपने आप को बार बार कुछ नया सिखाती रहूँ, ताकि अपने लिए नए नए अपॉर्चुनिटीज़ निकालती रहूँ। आज भी पैरालंपिक का मेडल लेने के बाद भी जब मैं ट्रेनिंग में जाऊंगी तो मैं यही बोलूंगी कि मैं कोचिंग में जा रही हूं, मतलब मैं फिर सीखने जा रही हूं। तो सीखते रहिए, क्योंकि जो सीखता रहता है वो जीतता रहता है। एक अंतिम सवाल, अभी हाल ही में भारत और पाकिस्तान के बीच जो चल रहा है वो सबको पता है, और आप एक आर्मी बैकग्राउंड से भी हैं, तो क्या ये माना जाए कि जो भी काम हो रहा है सीमा पर, LOC पर, वो बिल्कुल सही है और भारतीय आर्मी जो है, इंडियन आर्मी है, उसको सैल्यूट करना होगा फिर? मैं तो बिल्कुल, जो भारतीय सेना में, तो भारतीय सेना में मेरे पिताजी भी भारतीय सेना में हैं, मेरे पति भी, मेरे ससुर भी, और मेरे भाई भी, और बल्कि मेरे भाई तो जो हो रहा है उसके करंट का बहुत हर जंग में आपके परिवार से कोई ना कोई लड़ा, और अभी भी मेरे भाई वहीं हैं, उसी क्षेत्र में हैं जहाँ ये सब हो रहा है। तो आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है, सबसे बड़ी हमारी जो एक दृष्टि है वो ये होनी चाहिए कि हमारा देश स्वतंत्र रहे, खुश रहे, और कोई भी हमारी स्वतंत्रता पे आँच ना आने दे। तो आई थिंक ये हमारा जमीर है, और ये हमारा तिरंगा झंडा है, जिसे एक फौजी अपनी जान पे खेल कर बचा कर ऊँचा रखता है, तो उनको शत शत प्रणाम। कई शहीद होते हैं, उनके परिवारों को शत शत प्रणाम, उनके सेक्रीफाइस को शत शत प्रणाम, और आई थिंक एक फौजी है जो हमारे इस झंडे को स्वतंत्र रखता है, उसको ऊँचा रखता है, ताकि हम जैसे खिलाड़ी भी उसको पकड़ कर खेल के मैदान में फहरा सकें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपा मैम हमसे बातचीत करने के लिए। तो हौसला जो है वो कभी छोड़ना नहीं चाहिए, और उम्र चाहे कितनी भी हो, आदमी को आगे बढ़ते रहना चाहिए, सीखते रहना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए 1 इंडिया हिंदी न्यूज़। नमस्कार।